स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं डॉक्टर देव हूं राजेश फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पीएम मोदी आस्क व्हाई इंडियंस आर मैरिंग इन फॉरेन कंट्रीज दोस्तों ये जो वीडियो है प्रशांत धवन चैनल की ओर से वर्ल्ड अफेयर है, वर्ल है चैनल का नाम और पीएम मोदी ने जो बोला है मेरे हिसाब से सही है और ये खास करके जब ये सोशल मीडिया जब से प्रचलित हुआ है इतना तब से ये उसमें नंबर और बढ़ा है

बड़े स्केल पर इंडियन इकोनॉमी का यूज करते हैं मगर जब खर्चने की बारी आती है जब शादियों पे खर्चने की बारी आती है ना तो भारत में ना शादी करके लोग विदेश में जा रहे हैं और कंट्रीज में जाकर बड़े स्केल पर पैसा खर्च रहे हैं अपनी शादियों पर और ये कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना होगा और इसलिए पीएम मोदी ने अर्ज किया है बड़े परिवारों को जो पैसे वाले लोग हैं उनको अर्ज किया है क्योंकि आप अर्ज ही कर सकते हो ऐसा तो है नहीं कि आप उनको लीगली रोकोगे आप उनको गुहारी लगा सकते हो कि आप लोग पढ़े लिखे हो आपके पास पैसा है आपके पास अवेयरनेस है आपके पास ऑप्शन हैं तो क्यों ना आप जब शादियाँ कर रहे हो तो इंडिया में शादी करो ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है कि टर्की में जाकर शादी करना या फिर इटली में शादी करना या फिर कई लोग थाईलैंड में चले जाते हैं ये देखिए खराब है भारत की इकॉनॉमी के लिए इससे जो पैसा इंडियन इकोनॉमी में आना चाहिए जो पैसा खर्च होना चाहिए इन इंडिया वो बाहर जा रहा है ना पी मोदी ने इस इशू पर ना एक डेढ़ मिनट तक कुछ कॉमेंट्स करी है मैं चाहता हूं ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये आप सुने काफी इम्पोर्टेंट है फिर हम और डीप जाएंगे इस टॉपिक के अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस सीजन में करीब पांच लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें और हाँ जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा आप सोचिए इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है क्या ये जरूरी है क्या भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है मैं आशा करता हूँ मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी यह सर्टनली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप खुद सोच कर देख लो जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे दर्द होता है मुझे पीड़ा होती है देख कर के इंडिया के बिजनेसमैन जिन्होंने कमाया इंडिया सही है जब शादी की बात आती हो देखो आप लोग इंडिया में ही रहते हैं आप लोग समाज में क्या हो रहा है ऑब्वियसली प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में लंबे समय से एक ट्रेंड चलता आया है कि आदमी अपने एक बार को एजुकेशन हेल्थ केयर और चीज़ों पे ना थोड़ा सा कम खर्च दे शादी पर अच्छे से खर्चता है आज के समय कोई भी आदमी ना पाँच दस लाख तो आराम से शादी पर खर्चता ही है कहीं से चाहे उधार मांग के खर्चे मगर शादी पर अच्छे से खर्चेगा वो और जो बड़े परिवार है जिनके पास अथा पैसा है उनके बारे में तो देखिए काफ़ी बार हम पढ़ते हैं अखबारों में कि जी इन्होंने प्लेन पर शादी करी है ये पूरा अपना परिवार ले गए यूरोप में वहाँ पर शादी करी है और ये जो ट्रेंड है ना ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है Uh, क्योंकि कई फेमस कपल्स हैं उन्होंने इंडिया से बाहर जाके शादी करी है तो लोगों ने सोचा कि ठीक है अब ये कर रहे हैं तो अब ये ट्रेंड बन चुका है हम भी इसको कॉपी करेंगे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊँ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन्होंने शादी करी थी इटली में इटली में एक जगह है टस्कनी के नाम से आज के समय ना ये एरिया एक फेमस वेडिंग स्पॉट बन चुका है पहले भी थोड़ा बहुत था मगर जब से विराट कोहली ने वहां पर शादी करी है आप कह लीजिए एक्स्ट्रा फेमस हो गया है सोच कर देखिए कितना सारा खर्चा होता होगा फॉरेन में शादी करने के लिए एक तो पहले आपको जो एरिया वो रेंट पे लेना है पांच दस दिनों के लिए फिर जो बहुत सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए खाना वगैरह करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं और जैसे पीएम मोदी ने कहा इंडिया में जो शादियों का बिजनेस है ना कई एस्टिमेट्स के हिसाब से पांच लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है ना ये पी मोदी कह रहे हैं वैसे मैंने कई एस्टिमेट्स और भी पढ़े हैं उधर आपको जो ये आंकड़ा है ना कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर हम इसमें और चीज़ों को भी ऐड कर दें क्योंकि इंडिया में काला धन भी काफी यूज होता है तो उसको भी अगर हम ऐड कर दें तो ये आंकड़ा आराम से मतलब सेवन से एट लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है इंडिया में वेडिंग्स शादियां एक ह्यूमंगस इंडस्ट्री है अपने आप में कई लोग कहते हैं कि इंडिया की एक्चुअली तीसरी और चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो इस इंडस्ट्री का पैसा तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना कि इंडिया में ही खर्च हो मगर अजीब बात है कि कई कंट्रीज हैं जिनको वैसे आप कह लीजिए लोग इतना प्रेफरेंस देते नहीं है दुनिया में वो कंट्रीज़ फेमस नहीं है शादी के लिए अमेरिकन वहां पर जाके शादी नहीं करते यूरोपियन शादी नहीं करते चाइना के लोग वहां पर शादी नहीं करते मगर इंडिया में आप कह लीजिए ट्रेंड चल गया है कि टर्की में जा शादी करो जी हाँ टर्की मैं आपको बता दूं एक हॉटस्पॉट बन चुका है लग्जोरियस इंडियन वेडिंग्स का और अगर हम सोच कर देखें कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अगेन जिन लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा समर्थवान है पैसे वाले लोग हैं और इनके पास ऑप्शन हैं देखो अब आप कल को अगर मान लो कोई आदमी है पच्चीस हजार रुपए कमाता है ठीक है बीस पच्चीस हजार रुपए कमाता है उसको अपना जो परिवार है वो भी पालना है वो कल को कोई चाइनीज फोन ले जाता है ऑब्वियसली आप उसको जाके नहीं कहोगे अरे तुम्हें देशभक्ति दिखानी चाहिए कोई चाइनीज फोन मत लिया करो आपको ही पता है कि मजबूरी है उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज थे जो सबसे सस्ती ऑप्शन उसको दिखी उसने वो परचेज कर लिया हाँ अगर कोई आदमी है वो कमा रहा है जी आराम से सत्तर हजार रुपये अस्सी हजार रुपये लाख रुपए के आसपास आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पास ऑप्शन है आप समर्थवान हैं आपके पास प्रॉब्लली नॉलेज भी होगी आपको जियो के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा आप तो एटलीस्ट जो एक जियो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से एक मेड इन इंडिया या फिर आप कह लीजिए सैमसंग या फिर कोई और फोन परचेज कर सकते हैं बट प्रॉब्लम देखो यही है कि इंडिया में ना फॉरनर्स लिटरली एक स्टार्टअप सिंबल है यहाँ पर आप देख पाओगे हेडलाइन ये इंडिया में ही हो सकता है इंडिया में रिसेंटली एक स्टार्टअप ओपन हुआ है कई स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं ये कंपनियां कह रही हैं कि अगर अपनी शादी में आपको फॉरनर्स चाहिए ना तो हम इसका प्रबंध करा सकते हैं आपको कुछ पैसा पे करना है और इस तरीके से नीली आंखों और ब्लॉन बाल वाले जो लोग हैं फॉरनर्स ये आपकी शादी में आ जाएंगे आपकी शादी की शोभा बढ़ाने के लिए और ये ऐसा नहीं तो दोस्त वगैरह होते हैं लिटरली आप कह लीजिए रेंट पे फॉरनर्स को लाया जाता है शादी पर क्यों स्टेटस सिंबल है ये लिटरली यही कहूंगा समाज में हमारे यही है कि फॉरनर्स मतलब के जी ठीक है बढ़िया है ठीक है स्टेटस सिंबल है आप ऑनलाइन भी देख लीजिए हमारी मूवी के ट्रेलर आते हैं लोग फॉरनर्स के रिएक्शन देख रहे होते हैं कि वो क्या कहेंगे हमारी मूवी के बारे में तो इस टॉपिक के बारे में देखिए बात करने की आवश्यकता है डिस्कस करने की आवश्यकता है क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है जिन लोगों के पास रिसोर्सेज है उनके पास ऑप्शंस हैं और वी शुड मेक एकदम रियलाइज कि देखिए जब भारत इतना ज़्यादा खूबसूरत देश ये आपकी जन्मभूमि है यहाँ पे आपको कश्मीर से लेकर केरला से लेकर आपको वेस्टर्न घाट से लेकर आपको यू नो नॉर्थ ईस्ट इतनी वैरायटी मिलती है आई मीन एक बार को अगर मान लीजिए हमारी कंट्री का साइज अगर बहुत छोटा होता कोई टापू टाइप का होता तो एक बार को आदमी कहता है कि जी, अ, लिमिटेड जगह है कंट्री हमारा इतना डाइवर्स इतने सारे विभिन्न कल्चर जितनी सारी ऑप्शन और अब तो धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट है ये भी काफी हद तक बेहतर हो रहा है तो वाई शुडेंट द रिच इंडियंस मैरी इन इंडिया जो पैसा खर्च होना है बाहर के देशों में वो इंडिया में खर्च करो एटलीस्ट हमारे लोगों को मिलेगा ना वो पैसा तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अवेयरनेस जगाने की काफ़ी आवश्यकता है आपको भी कभी अगर मौका मिले सोशल मीडिया पर डिस्कस करिएगा ये टॉपिक और जो अमीर लोग हैं देश के उन तक ये मैसेज पहुँचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शादियां करने के लिए जाते हो बाहर के देशों में टर्की में इटली में कहीं जाते हो शादी करने के लिए फिर उनकी जो फोटोज है वो पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे और जगह ये प्राउड करने वाली बात नहीं है उल्टा आपने खराब काम ही किया आपको इंडिया में बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल थी और आप इंडियन इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे तो खैर लिखेगा इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सो so, दोस्तों लास्ट में जो क्वेश्चन था जिसका आंसर आप जरूर दे दीजिएगा लेकिन बताना चाहेंगे ये जो ट्रेंड है खास करके लास्ट फाइव या फाइव ईयर में समझ सकते हैं या तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तब से ये ज्यादा ट्रेंड में है और बात रही हमारे देश में शादी करने की तो देखो हो सकता है बड़े लोगों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं क्योंकि पैसा होता है तो उसके पास ऑप्शन भी होता है मिडिल क्लास लोग होते हैं उसके पास ऑप्शन की मात्रा कम होती है फिर आप लो कास्ट में जाते हो लो क्लास में उससे भी नीचे वाले क्लास में तो उसके पास तो ऑप्शन होते ही नहीं है लेकिन मेरे हिसाब हम हमारे देश में छोटी सी छोटी शादी होगी ना तो भी करीबन दस से, हाँ। से पंद्रह लाख के बीच में तो इतना पैसा खर्चा तो हो होता ही होता है और ये जो बड़े लोगों की शादी होती है तो वहां तो करोड़ों से स्टार्ट होता है यहाँ मिडिल क्लास और लोअर क्लास में लाख में यह बात हो सकती है ऐसी लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड है वो बंद होना ही चाहिए क्योंकि हमारा ही पैसा ऑलरेडी अंग्रेजों ने हमें लुट लूटा है कई सालों तक तो और अब हम सामने से बोल रहे हैं हमको लूटो <laughs> देखो पैसा होना बहुत ही अच्छी बात है लेकिन उसका दिखावा करना वो बुरी बात है पैसा हो आप आपके हिसाब से आपको जैसा एंजॉय करना वैसा करो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन ज्यादातर यही आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि मैंने जो कमाया है और वही जो पैसा है वो मेरे देश के लिए यूज हो क्योंकि हम कहीं पे भी खर्चा करेंगे ना तो उसमें से जो भी टैक्स जाएगा ना वो हमारी जीडीपी में जाएगा ना और हम बाहर जाएंगे तो हमारा जो पैसा है वो बाहर जाएगा तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है और इन लोगों की वजह से जो पैसे वाले लोग हैं उससे हमें कोई नफरत नहीं है लेकिन आ, उन लोगों की वजह से दूसरे लोग जो है वो कॉपी करते हैं हाँ वो हाँ ये मोस्टली सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं कि बाहर एब्रोड में जाकर शादी करते तो फिर ट्रेंड अभी तो ट्रेंड बन गया है उनकी वजह से कि अभी सारे मतलब रिच पीपल होते हैं वो सारे वहाँ पर, पर सबसे बड़ा रिच पीपल हमारे इंडिया में जो है अंबानी उन्होंने उसके घर पे शादी घर हाँ, पे शादी की और फॉरन मतलब सिंगर है या सब मतलब वो एक्टर है वो हाँ, उसको, उसको बुला बुला है वो अलग चीज है वो पैसा है वो वो अलग चीज है है रिच फैमिली फिर भी उस, उन्होंने मतलब इंडिया में शादी तो रिच है तो रिच पीपल को बुला के वहाँ पे खाना खाना जो है बॉलीवुड स्टार ने पिरोसा उसके अलावा गाय जो सिंगर है उनमें इंडियन सिंगर भी थे और स्टेट वाइज भी सिंगर थे मतलब उसको बोलते है फोक सिंगर वो भी थे जैसे वो अंबानी जी गुजराती फैमिली से बिलोंग करते तो गुजराती सिंगर भी थे और उसके अलावा वहाँ पे फॉरेनर आए थे तो उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए फॉरेन के हाई क्लास सिंगर को बोले ये चीज सारी अलग है लेकिन अब उनको लोग कॉपी करने लगे भाई हमारी शादी में फॉरेनर गेस्ट होने अरे भाई खुद के फैमिली को संभाल ले फिर ये जो शादी के लिए पैसा लाया है ना बाहर से भर भर के तुम्हारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे तब तक नहीं पे कर पाओगे ये वाली चीज होगी ये देखो सबका नजरिया अलग हो सकता है लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम किस देश के हैं हम कहाँ पे रहते हैं हाँ, 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 इसलिए हमारे पीएम ने अपील की है कि अगर आप मतलब चाहे तो यहाँ पर शादी कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर अभी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है मतलब बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है और सब बहुत सारी जगह पर है मतलब बहुत सारे लोग बॉलीवुड स्टार है जिन्होंने राजस्थान में जाके शादी किया है बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोकेशन राजस्थान जैसा सिटी है गुजरात में भी बहुत सारे लोकेशन है अलग अलग सिटी जैसे आप कश्मीर के है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करते हैं पहले देश आ, आपका हर एक उसमें पहले आपका देश चाहिए क्योंकि आपको जिस जी, देश ने आपको इतना बड़ा बनाया है और आपको मतलब ये सब दिया है तो फिर आपको उसको रिटर्न देना भी आपका फर्ज है ये भी सोच सकते हो ना कि आपकी जो शादी हो रही है आपकी शादी से करीबन मैं तो यही समझता हूँ शादी में ऐसी पांच फैमिली जरूर होगी जो आपकी शादी से कमाती है आपकी शादी से उसका घर चलता है ऐसी आपको पांच फैमिली तो मिल ही जाए जैसे कि खाना बनाने वाले होंगे फिर जो डीजे लाते हो जो म्यूजिक सिस्टम होते वो लोग होते हैं तो ये ऐसे ऐसे जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं उसका घर भी उससे चलता है तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शादी का खर्चा हम देश में ही करें और हमारे देश के ही पीपल है उस लोगों के पास पैसा जाए और हमारी शादी का जो खर्चा है उनमें से जो भी टैक्स जाएगा वो हमारी जीडीपी में ये हमारी थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताना फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ दिल देन जय हिंद जय जय हिंद भारत जय भारत